Hey guys, this is Reiki and welcome back to Reiki Bhado Vlogs again. So, आज आपके आगे मारुति सुजुकी बलेनो जो कि है भाई 2019 मॉडल। तो भाई आज अपने घर की गाड़ी आ चुकी है फाइनली अपने चैनल पे, पहले भी आई है बट ये हो आ रही है कई महीनों सालों बाद, जो कि काफी सारा काम होने के बाद आई है इसमें। अब आप देख सकते हो जब हम लास्ट वीडियो हमने डाली थी ना इस गाड़ी के ऊपर, भाई यही होती नॉर्मल बलेनो, लेकिन आज के टाइम पे नॉर्मल बलेनो नहीं है। तो भाई गाड़ी के ओनर को मिलवा देते हैं, ये रहे अपने साथ भाई रोहन भाई। अरे खा ले बाद में, पहले वीडियो तो बनवा दे। गया भाई गाड़ी के ओनर अपने साथ, क्या हाल है? चल अब साइड हो जा, अब मेरे को गाड़ी की वीडियो बना दे। तो भाई आप देख सकते हो गाड़ी की कैसी कैसी लुक आ रही है, रील्स वगैरह भी हम डालते रहते हैं उसके साथ, ज्यादा अपडेट करते हैं गाड़ी को कि क्या क्या गाड़ी में काम करा है। तो रोहन भाई हमने ये कराया अपना, सबसे पहले तो हमने इसका भाई आरएस मॉडल बना दिया इसको आगे से, तो आगे से आरएस बम्पर की सब कुछ पूरी किट लगी हुई है, ग्रिल वगैरह बम्पर वगैरह और यहाँ तक की पेंट भी करा दिए ग्रिल ब्लैक कलर में, जो की आप देख सकते हो जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है ना गाइज, ये वाला ये होता है भाई सिल्वर फिनिश में, और ये वाला सुजुकी का लोगो ये भी सिल्वर फिनिश में होता है, तो ये दोनों पार्ट ही ब्लैक करा दिए। आगे से आप देख सकते हो कैसी भाई गैंगस्टर लुक आ रही है, तो ब्लैक पेंट हुआ भाई। हाँ तो भाई इसमें हम ना दो तीन चीजें और सोच रखी थी कि ये कराना है वो कराना है, बट ऐसे करते करते कभी टाइम ही नहीं मिल पाएगा और वीडियो ही नहीं बना पाएंगे। हाँ प्रोजेक्ट कार कभी पूरी नहीं होती, अभी भी दो तीन काम इसमें रह रहे हैं। जब आपने देखी थी बिल्कुल स्टॉक थी एक तरीके से, माइलेज वाइलेज और गाड़ी के बारे में बात करी थी, आज तो गाड़ी है और उसके मॉडिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो उसके बाद हमने काली छत करा दी है, आई लीड्स करा दिए हैं भाई, और आई लीड्स होने के बाद ये पूरी गाड़ी मैच हो रही है अब इसकी लुक के साथ। आप देख सकते हो सिल्वर और ब्लैक का डुअल टोन फिनिश आ रही है पूरी गाड़ी में, जो कि बड़ी प्यारी लग रही है। इसके साथ हमने भाई मॉडिफाइड नंबर प्लेट्स लगवा दी है आगे पीछे, ये चीज हम भाई बिल्कुल भाई अपना शेयर नहीं करते या फिर लोगों को बोलते कि भाई प्रमोट नहीं करते कि ये तुम लगवाओ, ये हम जब लगाते जब हमें वीडियो बनानी हो यूट्यूब की या फिर रील टाइप के लिए वीडियो बनानी हो, उसके अलावा कभी भी नहीं लगाते, नहीं तो हमारी नॉर्मली स्टॉक वाली HSRP वाली नंबर प्लेट लगी रहती है। क्यों भाई? तो अब देख सकते हो भाई हेडलाइट में हमने कुछ नहीं छिड़वाया, सिर्फ एक आई लिड्स के अलावा, बम्पर मैंने आपको बता दिया है बम्पर हमने चेंज करा। तो भाई इसकी बात करते हैं रोहन भाई, हमने कितने रुपए लगाए थे इसमें बम्पर में, कितने रुपए लग गए थे? 15 से 16 हजार रुपए ऐसे कुछ लगे थे, याद रही 15 से 16 हजार लग जाते हैं। मारुति जेन्युइन पार्ट लेके आया, एक एक जेन्युइन पार्ट है, और इसी के साथ अगर पेंट वेंट का भी ऐड करें ना तो सारा 15-16 हजार के अंदर सब इंक्लूडेड है। तो इसके अलावा भाई अपने लगवा दिए हमने कंपनी वाले अलॉय हटवा के, बाहर के आफ्टर मार्केट अलॉय, तो ये अलॉय काफ़ी लोगों ने लगवा रखे हैं। अगर मैं नाम भी लेना चाहूँ तो एक हर्षित भाई अपने वरना वाले, उन्होंने साहिब रतन करके एक इन्फ्लुएंसर है क्रूज में, उसमें करा रखे हैं, तो मतलब काफ़ी ट्रेंडिंग में चले गए हैं अलॉय। पहले मल्टी स्पोक चले थे, ये भी मल्टी स्पोक ही है बट ये थोड़े टेढ़े टाइप में है, छोटी मोटी चीजें होती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत स्टिकरिंग करा दिया DB की, जो मेन मोटिव है भाई गाड़ी के ऊपर, और आपने थंबनेल देख लिया होगा कि भाई मैं क्लेम करता हूँ इस गाड़ी को। जो इसमें म्यूजिक सिस्टम है ना उसमें कुछ ऐसा है कि वो वन इन दिल्ली तो हम बोल ही सकते, तो भाई जो मैं इस गाड़ी को जो क्लेम करता हूँ ना, मैं वो ये क्लेम करता हूँ कि मोस्ट लाउड बलेनो इंडिया में तो नहीं बट दिल्ली में तो कह ही सकता हूँ। दिल्ली में भाई मेरे को नहीं लगता कि बलेनो इससे ज़्यादा लाउड हो भाई, हर जगह कहीं ना कहीं होती है, मेरे नज़रिए में तो इससे लाउड नहीं है। पता नहीं और लोगों ने कितने लोगों ने करा रखी होगी भी, बट मेरे को नहीं लगता कि किसी ने करा रखी हो, तो भाई कमेंट कर देना, तो इस चीज़ पर कॉन्ट्रोवर्सी बिल्कुल मत करना, ये होते बचकाने वाली हरकतें। इसके अलावा यहाँ पर कर देती स्मोक टेप, पीछे के जो अपने सिल्वर पार्ट्स होते हैं वो वापस से हमने भाई दोबारा ब्लैक करा दिए हैं, पीछे भी मॉडिफाइड नंबर प्लेट्स, रिफ्लेक्टर लाइट्स, और पीछे से आप देख सकते हो गाइस कितनी ब्रॉड लुक है। तो भाई अलॉयज के बारे में मैं बताऊं, अलॉयज हमने भाई वही टायरों में लगवाए हैं, सिर्फ अलॉय चेंज कराए, टायर वही है, साइज अपना है 16 इंच है। अगर आप देखो ना तो इतने छोटे नहीं लगते टायर, गाड़ी के साथ बहुत अच्छे मैच करते हैं अलॉय, सिल्वर गाड़ी होगी सिल्वर ही अलॉय होगी। तो काफी लोगों ने भाई कितने लोगों ने पूछ लिया अब तक, सच सच बताइयो कि इतने अलॉय अच्छे लग रहे हैं। जिस दिन मैं लगवा के लाया था ना रात को आया था मैं 9 बजे के आसपास, पार्किंग में घुसा रहा था गाड़ी, चार पांच लड़के आ रहे सीधा पार्किंग में घुस गए और बोलते भाई बढ़िया लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है, और पसंद किसकी थी?
तेरे झूठा ये भाई सच बताओ मेरी पसंद थी। इसके अलावा भाई इसमें दिखा देते हैं म्यूजिक सिस्टम में लेके क्या क्या काम हुए हैं। तो म्यूजिक सिस्टम में भाई अपनी है कस्टम पेटी इसमें। तो भाई सीएनजी गाड़ी होने के ना थोड़े डिसएडवांटेज ये है, स्पेस की कमी रहती है, तो स्पेस की वजह से थोड़ा बहुत कम आउटपुट है म्यूजिक का, लेकिन फिर भी काफी हद तक बहुत लाउड है। क्योंकि मेरे को इतना लाउड नहीं चाहिए था, मेरे को क्लियरिटी चाहिए। हाँ तो आप देख सकते हो भाई इसमें लग रखा है 1600 वाट का JBL का वूफर। तो कई लोग बोल लेंगे अब इसमें कमेंट सेक्शन में ज्ञान देने आएंगे कि 1600 वाट का तो भाई आता ही नहीं है, बट एक बार भाई मेरे सर्च कर लेना, अच्छे से रिसर्च करना, फिर बताना कि इसका मॉडल नंबर बता देता हूं, P1220। हाँ, और फिर सर्च करना कि क्या चीज है, फिर उसके बारे में बताएंगे हम बाद में। अभी बता देते हैं भाई ये बहुत कम यूनिट्स आए थे इंडिया में, आई भी थी, इम्पोर्टेड यूनिट है, एक मेरा फट गया और एक ये ये लास्ट है, तो ये अब लगवा दिया, तो एक हमारी गलती की वजह से फटा है क्योंकि हमने अच्छे से एक प्लेसमेंट नहीं करी थी इसकी, जो कि गाड़ी में लग लग के वो फट चुका है। इसके अलावा यहाँ पे पायनियर के दो ओवल रख रखे हैं हमने। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम की भाई अंदर स्पीकर की बात करें तो कौन कौन से स्पीकर लगवा दिए भाई? दो पीछे पायनियर के ओवल है, यहाँ पे इधर वाली दोनों में कंपनी के दो लगे हुए हैं, जो कंपनी में से आए थे। हाँ इधर लगी हुई है भाई दो मेड, इसको मत देखना भाई, ये मेरा कल निकल के फट गया था तो उसकी वजह से अभी वायरिंग वगैरह दिख रही है। तो भाई गाड़ी मैंने जब दिखाई थी ना आई थिंक वो 40-50 हजार पे हमने वीडियो बनाई थी गाड़ी की, और आज के टाइम पे 1,16,000 चल चुकी है गाड़ी। 1,22,000 चल चुकी है। तो अब इसमें इधर की तरफ आगे दो मेड लगी हुई है वेक्सट्रॉन कंपनी की। तो भाई उसकी क्या प्राइस थी अपनी भाई? उसकी अंदाजा से थी 6 के आसपास, 6-6.5। मतलब अगर ये कहे ना हम कि अगर कोई बंदा अपनी बलेनो में ऊपर से 1,00,000 रुपए लगा रहा है तो उसकी भाई शक्ल सूरत अलग ही बदल सकता है। 1,00,000 रुपए में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा 1,00,000 रुपए में 1,10,000-15,000 में मेरे अलॉय और सिर्फ म्यूजिक सिस्टम है। ठीक है, तो ये चीज की प्राइस है। वेक्सट्रॉन की मेड होगी, आगे ये लगे हुए हैं, वो दिखा दो भाई, ट्विटर दिखा दो। ये ट्विटर लगे हुए हैं भाई, ये भाई ऑटो क्रैंक कंपनी के हैं, TS20। इसकी क्या प्राइस है? की भी आती है TS20, वो ओरिजिनल होते हैं, लेकिन मेरे को इनका आउटपुट ठीक लगा तो मैंने ये लगवा लिए। और दो कंपनी के ट्विटर भी। अच्छा रोहन भाई अब एक सच सच बात बताएंगे कि भाई अपने कंपनी वाले अलॉय कितने के गए और ये कितने के लगे, तो भाई अब रियल बता दे कि जो जो लगे थे कि ऊपर से हमने इतने पैसे दिए थे भाई। 10,000 रुपए के मेरे वो पुराने वाले गए थे, क्योंकि वो एक अलॉय चटका हुआ था और सारे अलॉय में स्क्रेचेस थे, दबा के स्क्रेचेस थे, और ये टोटल मेरे को 33,000 रुपए के पड़े हैं। तो लगा लो मोटा मोटा माइनस कर दो 23,000 रुपए, मान लो 23,000 रुपए मैंने ऊपर से दिए, 22-23,000 रुपए लग गए हैं गाड़ी के अंदर अलॉय अलॉय के लिए। तो भाई अब इंटीरियर देख लो, इंटीरियर में मैंने हमने एम्बिएंट लाइट वगैरह लगवा रखी है, जो कि एम्बिएंट लाइट का भी थोड़ा एक नुकसान ही होगा कि हमसे कट गया और उसमें पानी लग गया तो एम्बिएंट लाइट इसलिए खराब होगी। इसके अलावा भाई अब सीट कवर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब सुना देते हैं म्यूजिक सिस्टम की, क्यों मैं इसको मोस्ट लाउड कर रहा हूँ भाई, एक्सपोज कर देते हैं रोहन को भाई, ये किस लिए है ये भाई? ये हमारे बहुत सारे दोस्त है, सबने डेव बोन्स का लगवा रखा है, तो लगवा लिया, तो बस दिखने में अच्छा लग रहा था। बाकी मेरे मन में है कि डेव बोन्स की मिड लगेगी गाड़ी में पीछे वेक्सट्रॉन पीछे आ जाएगी और आगे डेव बोन्स हो जाएगी। तो भाई डेव बोन्स बहुत बढ़िया कंपनी है, मैंने आज तक किसी से ना मतलब इसके वो नहीं सुने कि बेकार कंपनी है, किसी से नहीं सुना आज तक। जैसे JBL वेबीएल के भी इमेज है ना, उसकी गाड़ी में लगाओ बहुत अच्छी आवाज आती है। तो ठीक है, हम भी अपनी अपकमिंग कार्स में ऐसा ही कुछ सिस्टम करेंगे। एम्प और बता दे भाई, एम्प भाई दो एम्प लगा रखे इसमें, मोनो और एक वो वाला, एक 1500 में इसका मोनो लगा हुआ है इंटरफायर कंपनी का, और एक वो लगा हुआ है S&B का लगा हुआ है 4 चैनल, ये नहीं पता क्या है क्या नहीं। बस यार पता ये पता कि लगा रखा। तो अब एक बार आउटपुट सुना देते, तो एक बार आउटपुट सुना देते गाड़ी का, कि जो अपकमिंग काम कराएंगे भाई गाड़ी के अंदर वो शॉर्ट्स के माध्यम से आपके लिए पहुंचाते रहेंगे और प्राइसिंग के साथ पहुंचाएंगे गाइज। तो ये अपनी एक तरीके से प्रोजेक्ट का रही है, अब तक हमारे सर्कल मतलब जो भी अपने 2-3-4 गाड़ी थी, मेरी भी थी अपनी पहले वाली, ये थी वो थी, और हालांकि वो वाली गाड़ी इससे ऊपर ही पड़ती है, बट प्यार इस गाड़ी के लिए बेशुमार है, तो बेहद ज़्यादा प्यार है इसके लिए, क्योंकि अरे हाथों से और आँखों आके सब काम करा है इसका, तो एक वो होता ना कि प्यार बन जाते हैं गाड़ी के लिए, तो वो चीज़ हो चुकी है इस गाड़ी के साथ। और अब सुनाते हैं म्यूजिक सिस्टम की, कितना लाउड है म्यूजिक सिस्टम, अगर क्लेम करे तो कितना क्लेम करे भाई, पूरी गाड़ी कितना RMS बना रही है भाई? 150-300 और 800, करीब 1100-1200 बढ़ा 1100-1200 RMS ज्यादा। सोन का रेट भी तो सोने में तोल के
सुन लो और कितनी कम कर रखे वो भी दिखा देता हूँ। देख लो कितनी कम है। तो भाई ये थी कुछ आवाज बलेनो की, तो मेरे नजरिए में तो भाई अब तक की मेरे को लाउड लगती है, अगर आपके नजरिए में कोई ज्यादा हो तो भाई हो सकती है, मैं बिल्कुल मना नहीं करता। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, बाय बाय, जय हिंद।